नमस्कार फ्रेंड, सबको स्वागत है हमारे चैनल अनबॉक्सिंग डिवाइस रिव्यू पे। तो फ्रेंड, आज मैं एक मिक्सर ग्राइंडर का अनबॉक्सिंग करूँगा, जो है बजाज का, 500 वाट का ये है। सभी जानते हैं आप लोग, बजाज का जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वो सबसे अच्छा होता है और सबसे अच्छा चलती भी है मार्केट पे। हर जगह पे आप देख सकते हैं बजाज का। ये है बजाज का बिल जो अमेज़ॉन ने मेरे को दिया है। मैं इसको अमेज़ॉन से बाय किया और आप भी अमेज़ॉन से इसको बाय कर सकते हैं। आइटम जो है मेरे ख्याल से अमेज़ॉन से अच्छे आते हैं, और इसका कुछ आपका जो आने में थोड़ा देर होता है अमेज़ॉन का, वो कोई बात नहीं है। आइटम सील पैक आता है। आपका सील पैक नहीं आए तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, आप रिटर्न भी कर सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन होता है, आपको गाइडलाइन पढ़ना ज़रूरी है। देखो, ये बजाज का है, ये बजाज का बॉक्स। मैं इसको अमेज़ॉन का बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स रहता है बजाज का, उस बॉक्स में इसको आया है। यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हैं, प्राइस वगैरह यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। इसका पूरे डिटेल्स और इसका जो पैकेज है, ये पूरा सील पैकेज है। और इसके अंदर में आपको बाहर में देख रहा है कितना ब्लेड और कितना कंटेनर मिलता है। इसको आपको तीन कंटेनर मिलता है, तीन कंटेनर में आपको मिक्स कर सकते हैं आप सब कुछ। किसी को आप जूस कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ आप पेस्ट कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अच्छी है बजाज का चीज़। तो ये चीज़ कैसा है, सेलर ने किस तरह से भेजा है आप देख सकते हैं। देखो, इसके अंदर में यह है इसका ढक्कन, यह है मेन यूनिट, और यह है आपका तीन कंटेनर। तीन कंटेनर है आपका, एक है हाई क्वालिटी का जो जिसका हाई सबसे हाइट है, उसके बाद और एक है मीडियम, और उसके एक छोटा वाला, और एक चम्मच आपको मिलता है जिससे आप इसको मिक्स करने में आपको हेल्प करें। और कुछ नहीं है, चलो बॉक्स को साइड में रखते हैं। ये है इसका यूनिट, देखो इसके अंदर में क्या है। ये है मेन यूनिट जिसमें आप इसको इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करके कर सकते हैं। ये इसका वारंटी बुक, आप इसको आपका घर के आसपास जो वारंटी सेलर है, जो ऑथराइज सेलर है, उससे जाके आप वारंटी कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो आप इसको वारंटी वाले को कॉल भी कर सकते हैं। ये तीनों कंटेनर का ढक्कन जो आपको मिक्सिंग के टाइम में यूज़ करना होगा, जिसका जिसका साइज़ है उस साइज़ में इसको आया है। तो ये स्टेनलेस स्टील का जो कंटेनर है आप देख सकते हैं, इसके अंदर में जो प्लास्टिक का हैंडल रहता है वो भी अच्छा है। ये छोटा वाला का ढक्कन है, देखो इसमें ये सेट हो गया, और ये है बड़ा वाला। चलो देखते हैं इसमें इसका जो ढक्कन है वो सेट होता है कि नहीं होता है। ये है ब्लेड, इसके अंदर में रहता है, हर कंटेनर में आपको ब्लेड मिलता है, बहुत ही अच्छा है। चलो ये है मीडियम का जो इसमें सेट करते हैं। चलो देखो इसके अंदर में भी एक ब्लेड है, सब कुछ है इसके अंदर में, ब्लेड रहता है, उसके जो ढक्कन है आप सेट कर सकते हैं, नीचे का जो पोर्शन है वो इसमें सेट करना होगा। आप यहाँ पे देख के इसको सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करते हैं हम आपको दिखाते हैं, देखो कैसे सेट करते हैं। सब कंटेनर को मैं इसे सेट करके आपको दिखाता हूँ। और ये है केबल, ये आपको कनेक्ट करना होगा, और ये आपका मेंटेनर। यहाँ पे आपको 1 2 3 रहता है, किसी किसी सिस्टम में आपको 3 घाट रहता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मीडियम मीडियम कंटेनर है, और सबसे छोटा वाला कंटेनर के चलो इसमें सेट करते हैं। जैसे आप इसको सेट करेंगे उसके टाइम में आप देख लेंगे कैसे यहाँ पे जो सेटिंग्स है आप सेटिंग कर सकते हैं और कैसे आप खोल सकते हैं। तो आप खुद ही इसको खोल सकते हैं और खुद ही इसको सेट कर सकते हैं। आपका जो मेन मेन यूनिट है वो ज़्यादा भारी नहीं है, इसके नीचे में एक स्विच रहता है, जो आप ओवरलोडिंग हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चारों साइड में इसका जो स्टिकर की तरह एक रहता है, वो एक काला वाला, वो आपको नीचे का पोर्शन है, वो कोई बात नहीं है। तो सबसे एक ही बात है, बजाज का जो मिक्सिंग ग्राइंडर है वो अच्छा होता है, मार्केट में चलता है, हर 90% आदमी इसको खरीदता है, क्योंकि बजाज का जो रिपुटेशन है वो मिक्सर ग्राइंडर में अच्छा है, और मेड इन इंडिया है, और ये GST दे के आपको ख़रीदना पड़ता है दुकान से। और मैं इसको अमेज़ॉन प्राइम अकाउंट से ख़रीदा, आप हर अकाउंट से खरीद सकते हैं, आपको प्राइम अकाउंट में ऑफ़र मिलता है,
दूसरे अकाउंट में ऑफ़र नहीं मिलता है, ये कोई बात नहीं है, आपको दूसरे अकाउंट में भी ऑफ़र मिलता है, 100% श्योर है। और मैं इसको डील ऑफ द डे में ख़रीदा, तो इसका प्राइस आया है 1699 रुपया। तो आप इसको नॉर्मल डे में ख़रीद सकते हैं 2000 रुपया के, और ऑफलाइन में इसका प्राइस आ जाता है 2600-2500। तो फ्रेंड हमारे चैनल को देखते रहना, हमारे साथ रहना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक हमारे चैनल के साथ रहना।